अक्सर बॉलीवुड इंडस्ट्री में हम शूटिंग के दौरान हीरो और हीरोइन के बीच में काफी खूबसूरत कहानियां सुनते हैं, लेकिन तब ऐसे अनसुने किस्से भी सामने आते हैं जो कि इन्हीं शूटिंग्स और ऑफ कैमरा सीन्स का एक डार्कर साइड बयान करती है। ऐसी ही एक कहानी जुड़ी हुई है बॉलीवुड के वेटरन लेट एक्टर विनोद खन्ना से। विनोद खन्ना वाकई बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम हंक एक्टर्स थे, जो कि वेल डिजायर्ड भी थे। लेकिन वो समय भी आया जब विनोद खन्ना ने बॉलीवुड को अलविदा कहकर सन्यासी जीवन अपनाने का फैसला किया, लेकिन कुछ समय बाद ही वो ऐसा नहीं कर पाए और वो तुरंत ही बॉलीवुड में वापस लौट आए। और इसी दौरान उन्होंने अपने पुराने दोस्त महेश भट्ट की फिल्म प्रेम धन भी साइन की। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट नजर आई डिंपल कपाड़िया। अब उस समय विनोद खन्ना अपनी बाकी फिल्म्स की शूटिंग में भी व्यस्त थे, जिस वजह से वो डबल शिफ्ट करते थे। अब ऐसे ही एक दिन महेश भट्ट ने फिल्म की शूटिंग को नाइट शिफ्ट पर रखा। फिल्म के सीक्वेंस में विनोद खन्ना को डिंपल कपाड़िया के साथ एक बेड सीन करना था, जहां उन्हें डिंपल को किस करना था और फिर हग करना था, और इसी के साथ ये सीन एंड हो जाता। महेश भट्ट ने इस फिल्म के सेट की लाइट्स काफी डिम रखी थी और विनोद खन्ना फिल्म के सेट पर लेट भी पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली, डायरेक्टर महेश भट्ट ने इस सीक्वेंस को शूट करने के लिए एक्शन कहा। विनोद खन्ना ने ठीक वैसा ही किया जैसे महेश भट्ट ने कहा था, लेकिन फिर भी सीन में उतनी इंटेंसिटी नहीं आ पाई, जिसके बाद डायरेक्टर महेश भट्ट ने डिसाइड किया कि वो अपनी यूनिट को लेकर उस सेट से थोड़ा दूर जाएंगे ताकि इस सीक्वेंस में थोड़ी और इंटेंसिटी आ सके। अब जैसे ही इस बार महेश भट्ट ने दूर से इन्हें एक्शन कहा, तो विनोद खन्ना ने सारे सीक्वेंस उसी तरह फॉलो किए, लेकिन जब डायरेक्टर महेश भट्ट ने कट कहा तो विनोद खन्ना रुके नहीं। इनफैक्ट उन्होंने डिंपल कपाड़िया के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। डिंपल कपाड़िया इस बात से हैरान थी और महेश भट्ट को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विनोद खन्ना क्या कर रहे थे। लेकिन जब तक वो अपने असिस्टेंट डायरेक्टर के पास उस सेट तक पहुंच पाते, विनोद खन्ना उनकी आवाज सुनकर रुक चुके थे। इस सीन के कट होते ही डिंपल कपाड़िया अपने मेकअप रूम की ओर चली गईं और फिर महेश भट्ट ने विनोद खन्ना को खूब डांटा और फिर आखिरकार उन्हें डिंपल से माफी मांगने को कहा। उन्हें कन्विंस किया कि विनोद खन्ना नशे में थे और क्योंकि वो एक लंबे समय बाद ऐसा सीन कर रहे थे, इसीलिए वो काबू में नहीं रह पाए। आपका इस कहानी पर क्या कहना है, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।